जय किसान दोस्तों आपका चैनल में स्वागत है दोस्तों हम सभी किसान भाइयों को तो मालूम ही है कि फसलों में फंगस जनित रोगों की समस्या लगातार बढ़ रही है कभी कभार ये रोग इतना फैल जाते हैं कि पूरी फसल बर्बाद हो जाती है इस फंगस जनित रोगों के नियंत्रण के लिए हम बाजार से कई प्रकार के फंगिसाइड लाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं और अपनी फसलों को बचाते हैं लेकिन ये फंगीसाइड जो है इनका असर जो है फसलों पर दस से पंद्रह दिनों तक ही रहता है उसके बाद क्या होता है फंगस के और रोग फसलों में आने लगते हैं तब हम क्या करते हैं फिर से फंगीसाइड बाजार से लाकर प्रयोग करते हैं तब कहीं जाकर हम फसलों को बचाते हैं इससे हमारी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर इन फंगस रोगों को हम जड़ से ही समाप्त करें जमीनों से तो हमें फसलों पे काफ़ी अच्छा प्रभाव होगा और हमारी फसलें भी अच्छी होंगी और हमारी लागत भी कम हो जाएगी लेकिन दोस्तों जमीनों से पूरी तरह से फंगस को कैसे समाप्त किया जा सकता है आइए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि हम लोग क्या क्या करके जमीनों से फंगस के रोग समाप्त कर सके लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें दोस्तों फंगस रोग कैसे समाप्त किए जाए इसके बारे में बात करने से पहले हम लोग ये जान लें कि फंगस होता क्या है ये कैसे आता है कहाँ से आता है और ये कहाँ कहाँ होता है तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं और जब ये जानेंगे तभी हम इसको आसानी से नियंत्रित कर सकेंगे दोस्तों खेतों में जमीनों में यानी कि मिट्टी में दो प्रकार के फंगस होते हैं फंगस तो कई प्रकार के होते हैं लेकिन इनको हम दो कैटेगरी में लेते हैं कि एक तो हमारी जमीनों में फायदेमंद फंगस होते हैं और दूसरे नुकसान पहुंचाने वाले फंगस होते हैं क्योंकि हमें फसलों में दो ही प्रकार के फंगस होते हैं बाकी इनके जो साइंटिफिक हैं कई प्रकार के फंगस होते हैं लेकिन हम लोगों को केवल दो प्रकार के फंगस के बारे में जानना है ये दोनों प्रकार के फंगस हमारी मिट्टी में होते हैं जब हमारे फायदेमंद ज्यादा ज्यादा होते हैं यानी कि उसमें प्रतिशत होता है तो हमारी फसलों को फायदा पहुंचाता है और नुकसानदायक फंगस से भी फसलों को बचाता है वहीं अगर हमारी जमीनों में नुकसानदायक फंगस ज्यादा होते हैं फसलों को कई रोगों से ग्रसित कर देता है और हमारी फसलों को नष्ट करना शुरू कर देता है यानी कि कई प्रकार के रोगों से प्रभावित कर देता है क्योंकि जमीन में फायदेमंद फंगस कम होने के कारण ये फसलों को नहीं बचा पाते है और जब हम बाहर से फायदेमंद फंगस इसमें डाल देते हैं तो हमारे रोग नियंत्रित होने लगते हैं दोस्तों तो फायदेमंद फंगस कम क्यों हो रहे हैं इसके बारे में सोचने का विषय है क्योंकि जो भी फंगस होते हैं नेचुरल होते हैं और जनरली खेतों में फायदेमंद फंगस ही होते हैं लेकिन ये फायदेमंद फंगस कैसे धीरे धीरे करके समाप्त हो रहे हैं और नुकसानदायक फंगस कैसे बढ़ रहे हैं इसका सबसे बड़ा कारण है यूरिया का या रासायनिक खादों का अधाधुन प्रयोग करना आप जितना ही इन रासायनिक खादों या यूरिया का प्रयोग करेंगे फंगस रोग उतना ही बढ़ेगा और तब आप क्या करेंगे फंगीसाइड का प्रयोग करेंगे अब इसमें क्या हुआ यूरिया या अन्य फर्टिलाइजर फायदेमंद फंगस को समाप्त कर देता है और उसके कारण नुकसानदायक फंगस का प्रकोप बढ़ने लगता है दूसरे जमीन में नमी के कम होने के कारण भी फंगस बढ़ता है तथा जमीन में कार्बन की कमी भी एक फंगस का कारण होता है क्योंकि इसके बिना फायदेमंद फंगस नहीं बढ़ पाता ये है रासायनिक खादों का डबल नुकसान खादों पर खर्च करो फिर फंगीसाइड व कीटनाशक पर खर्च करो और जमीन की सेहत बिगड़े वो अलग दोस्तों फंगस रोगों को आप किसान भाई चाहे तो पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन ये सब धीरे धीरे करके ही किया जा सकता है और किसान भाई हम धीरे धीरे करके इसको नियंत्रित करें तभी हमें हमारी खेती को बचा पाएंगे क्योंकि अगर फंगस रोग ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारी खेती को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा दोस्तों नियंत्रण करने के लिए हमें करना क्या है सबसे पहले तो हमें मिट्टी की जांच करानी जरूरी होती है क्योंकि उससे ये पता लगेगा कि खेतों में कितने उर्वरक की जरूरत है और कौन कौन सी उर्वरक की जरूरत है और उतना ही हम उसमें उर्वरक का प्रयोग करें और बिना जांचे ही हम क्या करते हैं आधा उसमें खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करते रहते हैं और क्या होता है फंगस भी बढ़ता रहता है दूसरे दोस्तों खेतों में कंपोस्ट खाद का जितना हो सके उतना प्रयोग करें क्योंकि कंपोस्ट खाद नेचुरल खाद है और हमारे खेतों के लिए या हमारे फंगस यानी कि जो इसमें फायदेमंद फंगस है वो इसको बढ़ाता है दूसरे दोस्तों कंपोस्ट में ट्राइकोडर्मा मिलाकर खेतों में आखिरी जुताई के समय जरूर प्रयोग करें इससे क्या होगा ट्राइकोडर्मा एक हमारा फायदेमंद फफूंद है जो खेतों में जब जाता है तो उसमें फायदेमंद फफूंद की संख्या को बढ़ा देता है और एक जीवाणु है, और ये धीरे धीरे करके आपस में मल्टीपल होके खेतों में बढ़ता रहता है तब क्या होता है जो नुकसानदायक हमारे फफूंद हैं उनको धीरे धीरे करके वो समाप्त कर देता है और फायदेमंद फफूंदों की संख्या खेतों में बढ़ जाती है दूसरे ट्राइकोडर्मा को आप पानी में मिलाकर भी अगर आप कंपोस्ट में नहीं मिला पा रहे हैं तो पानी में मिलाकर भी सिंचाई में खेतों में डाल सकते हैं सिंचाई के साथ तो क्या होगा पूरे खेतों में फैल जाएगा और हमारे फायदेमंद फफूंद जो है वो खेतों में बढ़ जाएगा तो इससे हमारे कई सारे फफूंद जनित रोग जो हैं उनकी समस्या समाप्त होगी और दोस्तों धीरे धीरे करके हमें कंपोस्ट को बढ़ाते रहना है और रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते रहना है जैसे रासायनिक हमारे उर्वरक -उर कम होंगे तो हमारे फायदेमंद फंगस बढ़ेगा और नुकसानदायक फंगस कम हो जाएगा और दोस्तों इस बिंदु पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि वेस्ट कम्पोजर के घोल का जमीनों में प्रयोग करें और एक एकड़ में 200 लीटर से लेकर जितना आप तैयार कर सकते हैं सिंचाई के साथ खेतों में डालें और फसलों पर आप स्प्रे भी कर सकते हैं तो इसका भी खेतों में प्रयोग करें इससे हमें बहुत सारे फफूंद रोग से निजात मिलेगी इसके अलावा दोस्तों खेतों में नमी बनाए रखें ये अच्छी बात है उससे भी फफूंद रोग में काफ़ी कमी आती है रासायनिक की जगह आप लोग कंपोस्ट खाद वर्मी कंपोस्ट और जीवाणु खादों का प्रयोग करेंगे तो फंगस रोगों पे काफ़ी कुछ समस्या समाप्त हो सकती है रासायनिक के स्थान पर घरों में बने जैविक फंगीसाइड का प्रयोग करें जैविक कीटनाशक का प्रयोग करें इससे दो फायदे हैं एक तो हमारे जो फायदेमंद फंगस हैं उनकी संख्या बढ़ेगी और दूसरे हमारा खर्च नहीं होगा यानी कि हमारी लागत कम होगी दोस्तों इसके अलावा भी कई ऐसे है? तरीके हैं जैविक प्रोडक्टों को बनाकर यानी कि घर में ही बनाकर खेतों में प्रयोग करें और इससे क्या होगा रासायनिक खादों का धीरे धीरे करके प्रयोग खत्म हो जाएगा और हमारे फंगीसाइड जैसे रोग धीरे धीरे खेतों में कम हो जाएगा और कम हो जाएगा तो हमारी फसलें भी अच्छी होगी दोस्तों फंगस जिस तरीके से बढ़ रहा है यदि समय रहते नियंत्रित नहीं किए तो फसल बचाना मुश्किल हो सकता है तो दोस्तों फंगस जनित रोगों को पूर्ण रूप से समाप्त करने का एक ही तरीका है नेचुरल तरीके से हम खादों का प्रयोग करें लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें साथ ही साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें जय किसान दोस्तों